दोस्तों मैं हैदर हाशमी आप सबके सामने ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। इसमें जो हाल ही में MLC ग्रेजुएट्स के लिए वोटिंग होने वाली है, इसमें कई ग्रेजुएट जो रजिस्टर किए हैं उनको डाउट है कि इसमें पोलिंग किस तरीके से होती है। हम जानते हैं कि MLA जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर हमको कोई एक निशान पर कोई एक कैंडिडेट के लिए मार्क करना होता है, मगर MLC के अंदर प्रोसीजर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से आज ग्रेजुएट्स के अंदर काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये EVM के जरिए नहीं किया जा सकता है, लिहाजा बैलेट पेपर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर होता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट का नेम और कैंडिडेट की पार्टी का नाम होता है। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। इसमें कोई भी पार्टी का सिंबल इस्तेमाल नहीं होता है और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देने के लिए कहा जाता है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब ये है कि आप ये पूरे, फॉर एग्जांपल ये जो 10 कैंडिडेट्स है, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस यानी सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो है आप उसके आगे 1 लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है सो अगर ये कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होता है तो सेकंड ये कैंडिडेट आना चाहिए। तो इसके लिए हम ये देखते हैं, एक सैंपल बैलेट है जो किसी ने वोट किया है, इसमें ये बताया गया है कि कैंडिडेट 1 पार्टी ए को 3rd प्रेफरेंस वोट दिया है उसने, और कैंडिडेट 4 पार्टी 1 को उसका 1st प्रेफरेंस है। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसा आप सीरियल नंबर से जितने कैंडिडेट्स है सबको अपना वोट दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज बड़ी अहम है कि कहीं हमारा बैलेट पेपर इनवैलिड ना हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि रोमन नंबर्स में 1, 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये 4 देखने पर डाउट होता है कि ये कैंडिडेट 4 का वोट है या कैंडिडेट 5 का वोट है, और यहाँ हम देखते हैं कि 3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं राइट डाल दूं या क्रॉस डाल दूं, जो कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं है मैं उसको क्रॉस डाल दूं, इस तरीके से अगर आप कुछ भी मार्क करते हैं तो आपका वोट इनवैलिड हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये 1st, 2nd, 3rd, 4th प्रेफरेंस क्या हमें देना जरूरी है, क्या हम एक कैंडिडेट जो हमारा 1st प्रेफरेंस है उसको 1 डाल के बैलेट पेपर बॉक्स में डालकर आ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा हम वो जानते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, तो फॉर एग्जांपल ये है कि अगर पूरे, जैसा अभी महबूब नगर हैदराबाद और रंगारेड्डी का जो MLC इलेक्शन हो रहा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 600 के ऊपर बूथ है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल के 1005 वोट्स आए, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो इसमें जैसा हमने पहले देखा था कि थोड़े इनवैलिड वोट्स का बैलेट पेपर कैंसिल हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 वोट्स कैंसिल हो चुके हैं। तो अब बचे कितने, 1000 वोट्स है। अब ये 1000 वोट्स की काउंटिंग किस तरह की जाती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला का कैसा है देखिए कि यहाँ पर कोटा लिखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, यानी 1000 वोट्स है, डिवाइड बाई 2 करके प्लस 1 करेंगे, तो ये फॉर्मूले से हमें जो कोटा मिलता है वो 551 वोट्स का है। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट बैलेट पेपर्स के जब वोट काउंटिंग होते हैं तो 551 वोट्स लेकर आता है, तो वो विनिंग कैंडिडेट, इलेक्टेड कैंडिडेट करार दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जब इसमें ये होता है कि जैसा MLA के लिए इलेक्शंस में हर पोलिंग बूथ से जो है सो रिजल्ट आता है, यहाँ पर वैसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट्स एक ही जगह काउंट किए जाते हैं, एक ही जगह जब पूरे पोलिंग बूथ से बॉक्सेस आते हैं तो उनको खोला जाता है, उसमें से इनवैलिड वोट्स निकाला जाता है, जो रिमेनिंग जो वैलिड वोट्स है उसमें जो कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया गया है वो कैंडिडेट के नाम के बाजू कितने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आए वो दर्ज किया जाता है इस तरीके के एक फॉर्म में। तो हम यहाँ देखते हैं कि कैंडिडेट 1 को 50 वोट्स मिले हैं, कैंडिडेट 2 को 25 है,
कैंडिडेट 3 को 330 वोट्स है, कैंडिडेट 5 को 350 वोट्स है, इस तरीके से ये टोटल 1000 वोट्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस ये रिजल्ट से हमें ये पता चला है कि जो मैजिक फिगर है, जो कोटा है 551, वो किसी को भी हासिल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस वोट की अहमियत आपको मालूम होगी। अब ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट देखा जाता है, तो हमें ये पता चला है कि यहाँ पर दो कैंडिडेट्स हैं जिनको 25 वोट्स आए थे। चूंकि दोनों का नंबर इक्वल है तो यहाँ पर किसी एक को एलिमिनेट किया जाना चाहिए। वो एक कौन होगा? ये जो है सो रिटर्निंग ऑफिसर ड्रॉ ऑफ लॉट करके वो एक कैंडिडेट को निकालेगा। हमारे ड्रॉ ऑफ लॉट में कैंडिडेट 6 को एलिमिनेट किया गया है। अब यहाँ पर कैंडिडेट 6 को जो फर्स्ट राउंड में 25 वोट्स मिले थे, उन 25 बैलेट पेपर्स को ये रिमेनिंग 9 कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो किस तरीके से किया जाएगा? अब ये जो 6th कैंडिडेट जो एलिमिनेट हो रहा है, इसके बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको आए हैं, तो हम यहां देखते हैं कि कैंडिडेट 3 को 15 वोट्स आए हैं, कैंडिडेट 5 को 2 वोट्स आए हैं, कैंडिडेट 10 को 2 वोट्स आए हैं, ये सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स है। और हम ये देखते हैं कि यहां पर एक नया कॉलम है एग्जॉस्टेड बैलेट। इसका माना यह होता है कि 6 लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट डालकर अपना बैलेट पेपर बॉक्स में डालकर चले गए, सेकंड उन्होंने किसी को मार्क नहीं किया। इससे ये क्या होता है कि ये बैलेट पेपर्स अभी काउंटिंग में नहीं आएंगे। अब इनका जब रिजल्ट आता है तो यहां पर हम देखते हैं कि मैजिक फिगर जो हमारा कोटा है 551 अभी रीच नहीं हुआ है। इसके बाद होता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में हम देखते हैं कि और एक कैंडिडेट जिनको 25 वोट्स आए थे वो भी एलिमिनेट हो चुका है, और उसके 25 वोट्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिनमें से 3 ऐसे वोट थे जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस वोट नहीं डाला था। अभी भी हमारा कोटा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम जाते हैं फोर्थ राउंड की तरफ। फोर्थ राउंड में जब हम देखते हैं कि यहां पर दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको जो है सो 35 वोट्स आए हैं, तो हमें ये पता चला है कि दो इक्वल वोट्स आने की वजह से किसी एक कैंडिडेट को एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक के पास है 45 वोट्स फर्स्ट राउंड में और सेकंड के पास है फर्स्ट राउंड में 43 वोट्स। तो यहाँ पर इक्वल वोट्स होने की वजह से हम ये देखते हैं कि जब 43 वाले को फर्स्ट राउंड में जो कम आए थे उसको एलिमिनेट किया गया है। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता ही जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरीके से राउंड चलते जाएंगे और ये 8, 10, 20 राउंड्स की भी काउंटिंग हो सकती है। तो ये काउंटिंग का बड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया और लास्ट में जिसको जो कोटा जो फिक्स किया गया था उतने वोट्स आते हैं तो वो कैंडिडेट को विनिंग डिक्लेयर किया जाता है। तो हमें इस वीडियो से ये पता चला है कि अगर हम सेकंड प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हुआ है, तो हमारा सेकंड जो हम जिसको ऑफ करना चाह रहे हैं उसको वोट्स की कमी होगी, यानी हमारा वोट काउंटिंग में नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं कहता हूं कि मिनिमम 5 to 6 प्रेफरेंशियल ऑर्डर आप मेंशन करिए। अगर आप चाहते हैं तो आप कंप्लीट जितने कैंडिडेट्स हैं 1 से लेके 100 या 150 अगर से भी कैंडिडेट्स हों तो आप सबको वोट दे सकते हैं 1 to 150 के जरिए से। मगर मैं आपसे ये अपील करता हूं कि मिनिमम 5 या 8 प्रेफरेंशियल कैंडिडेट्स आप दीजिए। अब यहां पर अहम बात यह है कि कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है। तो यकीनन एक तो आपकी नजर में होगा ही। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस देने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका ये बताता हूं कि आप ceotelangana.nic.in, मैं रिपीट करता हूं ceotelangana.nic.in वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर कैंडिडेट एफिडेविट्स बोलकर चेक कीजिए। कैंडिडेट एफिडेविट्स के अंदर जितने कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सबके एफिडेविट्स होंगे और उन एफिडेविट्स में उनका फोन नंबर होगा। आप कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फिफ्थ या एट या टेंथ जो भी प्रेफरेंस देना चाह रहा हूं मैं आपको क्यों दूं। कैंडिडेट आपको क्लियरली बताएगा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने पास्ट में
क्या वेलफेयर स्कीम्स में पार्टिसिपेट किया था और किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस किया था, किस तरीके से लोगों को सपोर्ट किया था, ये सारी डिटेल कैंडिडेट्स आपको बताएंगे। इस तरीके से आप अपना वोट दीजिए तमाम ग्रेजुएट्स, और मैं समझता हूँ कि आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर अच्छी से समझ आया होगा। इस तरीके से आप जब सैम्पल बैलेट पेपर रिलीज होगा उसी में आप चेक करके कैंडिडेट्स का नाम और उनका सीरियल नंबर नोट करके अपना प्रेफरेंस ऑर्डर घर में एक बार पहले से ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि हाल ही में मुझे ये पता चला है कि महबूबनगर हैदराबाद रंगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करीब 110 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी लिस्ट में आप पोलिंग बूथ में जाके वहां पर शॉर्ट आउट करते मत बैठिए, आप घर से ही पूरी तैयारी करके जाइए और उस तरीके से आप मार्क करके आइए। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर और हमसे मिलके जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले 99 चलो चले 99 चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले।